मैं दावत दूंगी तसव्वुर हुसैन को। तसव्वुर हुसैन जिनका ताल्लुक डीपीएस कॉलेज मॉडल टाउन लाहौर से है। आपका मौजूए तकदीर है, फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर है। सदर जी वकार और बाशऊर साथियों, आज का मौजू मैं ये शुरू करूंगा कि फितरत का इशारा है कि हर शब को सहर कर। इस शऊर ऐवान में उसी मौजू पर बात करूंगा जो हर एक मुस्बत रवैये का सरचश्मा है, बेसहारों का सहारा है और मुस्बत रवैये का किनारा है। हमारे सदर जी वकार, हमारे जद अमजद को एक लजीज की पैदाश में जन्नत से निकाला गया, एक लजीज की पैदाश से जन्नत से निकाला गया। हर तरफ मुश्किलात के पहाड़, नागमगसार ना मददगार, हर तरफ तारीकियों के कोहसार थे। ऐसे में भी उम्मीद की किरण मरने नहीं दी। साहिब सदर बुजुर्गवार बार बार माफी की दरख्वास्त करते रहे, आखिरकार शब तारीख में सहर की नमोदार हो गई और नस्ल आदम की कश्ती बवर से पार हो गई। नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को 950 साल तक तारीकियों से लड़ते रहे और आखिरकार सैलाब ने आकर सहर के हमवार को नमूदार किया। सिर्फ वही लोग बचे जो सहर के अमीन थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद की अंधेर नगरी में कई साल लगे सहर की नमूदार करने में। कुरूने वुस्ता में रोमो ईरान की सल्तनतें तहजीबों के नाम पर अंधेरे फैलाने लगीं। सहरे अरब की वाहशियाना फिजाओं से वो मशाल नमूदार हुई जिसने ना सिर्फ आलम अरब बल्कि पूरी दुनिया को बुकाय नूर बना दिया। जदीद दुनिया की बात करें तो हमें मालूम होगा कि पांचों बड़े अजमों में भी यही अंधेरों और उजालों की आंख मचोली जारी है। ऐसे में मुझे कहने दीजिए, ऐ तालिबे सहर कभी हिम्मत ना हारना। जब से है कायनात अजल का असूल है, दुश्वारियां तो होंगी रहे अश्क में मगर शब की सहर से मात अजल का असूल है। सदरेजी वकार, इस तनाजुर में मैं अर्ज़े पाक पर नज़र दोहराएं तो हमें मालूम होगा कि मुसलमानाने बरसगीर ने अपने दिलों में जन्नत अर्जी के ख्वाब लेकर इसे हासिल किया, लेकिन शम आज़ादी की परवाने कायदे आज़म के बाद रुख्सत होते गए। लियाकत अली खां की शहादत के बाद कुछ यूं हुआ, देखा रुके शहीद तो आकाश ने कहा, शजरे वफा का आखिरी पत्ता भी गिर पड़ा। फिर उसके बाद कोई बता ही नहीं सका, मंजिल की अदर थी सफीना किधर चला। खुदगर्जियों के जाल ने जकड़ा यूं काफिला, सयाद भी मिला तो रहबर उसे लगा। साहिब सदर, आजकल के अखबार पढ़ता हूँ तो मालूम होता है कि कराची की खातून रीम उमाइमा के शोहर ने अपनी तीन बेटियों को ज़िबा करके अपने गले पर छुरी फेर कर खुदकुशी की नाकाम कोशिश कर रहा है। यूके से आई हुई रीना खातून दिन दहाड़े शादी से इनकार करने पर कत्ल कर दी गई। अखबारात जराइम से भरे पड़े हैं। महंगाई, रिश्वत, सिफारिश, उलूम व फ़नून की तनज़ली, लाकानूनियत और दोस्तदांतली जैसी अनफरीद जगह जगह इंसानियत का मुंह चढ़ा रही हैं। ऐसे में मुझे ये कहने दीजिए कि शहर का शहर गम से चूर लगे, जिसको देखो वो बेकसूर लगे। मैं अपने वतन के लिए दुआ करूंगा कि ये वतन यारब हमेशा ही बहारों में रहे, जिंदगी नगमा फिशा इसके नज़ारों में रहे।
है जिनकी अदा उनकी वफा, रश्के जना जिनकी हया, सितारों बहुत शुक्रिया।